हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी के सामने तिल और गुड़ के लड्डू की एक रेसिपी लेकर आ रही हूँ। वो करती आपको देखकर अच्छा लगेगा, तो लास्ट तक का वीडियो जरूर देखें। इजी और टेस्टी रेसिपी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कढ़ाई को गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद उसमें ऐड कर देती हूँ तिल। तिल को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया था। तिल को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तिल में जो है काफी कंकर वगैरह रहते हैं। तो इसी वजह से तिल को एक घंटा करीब आप भिगो के रख दें और उसके बाद उसको मसल मसल के साफ करने से कंकर भी नीचे बैठ जाते हैं और जो तिल है वो सफेद हो जाता है। काला तिल आपको अगर सफेद करना है तो थोड़ा टाइम भिगो के उसको मसल देंगे, तिल जो कि सफेद हो जाएगा। और अभी मैं तिल को अच्छे से भून लूंगी, जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए उतना तक मुझे भूनना है। और आंच को एकदम धीमी रखकर ही मैं तिल को भूनूंगी। तिल को भुनना हो गया है और उसके बाद उसी कढ़ाई पे मैं ऐड करूंगी गुड़। गुड़ को आप कम या ज्यादा कर सकते हो, तिल के क्वांटिटी के हिसाब से गुड़ कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। तो यहाँ पर गुड़ का मैं पाक बना लूंगी। और इस गुड़ की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होना जरूरी है। और देखिए ये गुड़ जो है पूरा मेरा पाक लग चुका है और इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए एक तार जैसा बन रहा है। तो और उसी टाइम मैं ऐड करूंगी तिल। तिल को अच्छे से गुड़ के साथ मिला लेना है, अच्छे से गुड़ मिल जाए तिल के साथ। और उसके बाद जो है तिल को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि गरम गरम होने से हाथ जल जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा गुड़ को ठंडा कर लूंगी तिल को, के बाद लड्डू बनाना इसका स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पर जो मेरा तिल है वो ठंडा होने लगा है और इसी टाइम पे मैं लड्डू बनाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरे हाथ से लड्डू बन रहा है। तो इसी तरीके का गुड़ का पाक होना जरूरी है। और देखिए बस हो गया मेरा तिल का लड्डू। तिल जो है हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है और मकर संक्रांति के टाइम पर तिल के लड्डू खाना शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति पे स्पेशली जो है तिल का लड्डू बनाया जाता है। हर घर में तिल का लड्डू बनता है और उसी तरह मैंने भी अपने घर पर तिल के लड्डू बनाए हैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। होप करती हूँ आपको देखकर अच्छा लगा है। तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको पहले ही मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।